गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डीपीपी 5 डिस्कस किया था, बराबर है। डीपीपी 5 के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे पास डेंसिटी से रिलेटेड, तो एक काम करते हैं आज थोड़ा डेंसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्लास 10th में पढ़ा होगा डेंसिटी हमारे पास क्या होती है बेटा। डेंसिटी वो होता है तुम्हारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। ये हम लोगों ने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा है, जनरल डेफिनेशन है डेंसिटी का, क्या मास अपॉन वॉल्यूम। अगर बेटा अब इसकी यूनिट्स की बात करें तो देखो यूनिट्स हमारे पास दो दो अलग अलग हो सकती हैं। एक है हमारे पास एमकेएस सिस्टम के अंदर और दूसरा हमारे पास है सीजीएस। मीटर एमकेएस तुम्हारे पास क्या है, मीटर तुम्हारे पास किलोग्राम और सेकंड, और जो सीजीएस है वो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड्स के अंदर। तो एमकेएस तुम्हारे पास जो सिस्टम होता है इसके अंदर जो यूनिट होता है डेंसिटी, तुम्हारे पास मास किसके अंदर लेना है, केजी के अंदर। तो तुम्हारा जो जो डेंसिटी का यूनिट आएगा वो क्या आएगा बेटा, केजी पर मीटर क्यूब। एमकेएस सिस्टम के अंदर जो डेंसिटी का यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। अगर सीजीएस सिस्टम के अंदर बेटा अगर हम बात करेंगे डेंसिटी का, तो इसका जो यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगा, मास किस में लेना है, ग्राम में, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है। इसी को और अगर लिखना चाहो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर एमएल। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, बराबर है कि नहीं। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है। तो अब यूनिट डायमेंशन तो ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हो, तो ये वहीं से हमारे पास यहाँ की यूनिट्स आई है, ठीक है। अच्छा, इसको हम केजी पर लीटर में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि बेटा पता होगा कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 10³ लीटर के। तो मेरे को यहाँ पर नीचे में 10³ से अलग से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख सकता। यहाँ पर सिंपल केजी मीटर क्यूब के अंदर और सीजीएस सिस्टम में क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर एमएल, ठीक है। अब जो हमारे पास डेंसिटी है बेटा, जो डेंसिटी है उसको हम दो अलग अलग टाइप से, हमारे पास दो तरह की डेंसिटी होती है, क्या, जो डेंसिटी है हमारे पास वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी, और दूसरा हमारे पास होती है बेटा रिलेटिव डेंसिटी, क्या, एक हमारे पास है एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरा हमारे पास है रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करें तो यह तुम्हारे पास सॉलिड लिक्विड और गैसेस सबके लिए, फॉर ऑल सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस, तुम्हारे पास जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है एडी, इसको अगर हम लिखें शॉर्ट फॉर्म में एडी, तो तुम्हारे पास वो किसके बराबर होगी, सिंपल मास अपॉन वॉल्यूम, किसके बराबर होगी, सिंपल मास अपॉन वॉल्यूम। ये होता है हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी। अगर बात करें रिलेटिव डेंसिटी का, तो रिलेटिव डेंसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तुम्हारे पास किसी एक सब्सटेंस का डेंसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में, बराबर है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जैसे ये वही है तुम्हारे पास, जैसे किसी के रेस्पेक्ट में आप कितने अमीर हैं, वो कैसे डिसाइड करते हो कि उसके पैसे से आपके पास कितना पैसा ज्यादा है, बराबर है कि नहीं। तो ऐसे ही हमारे पास जब रिलेटिव डेंसिटी की हम बात करते हैं, तो ये हम किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी एक को रेफरेंस मान करके उसके रेस्पेक्ट में हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आरडी को, तो ये क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू, बराबर है। तो जो सब्सटेंस टू है ये कौन सा सब्सटेंस है जिसके रेस्पेक्ट में हम डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, और जो सब्सटेंस वन है ये तुम्हारे पास जिसके लिए हम इसके दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में डेंसिटी निकाल रहे हैं, ये है तुम्हारे पास रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब जो रिलेटिव डेंसिटी है इसको भी हम लोग अलग अलग सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस के लिए अलग अलग डिफाइन करते हैं।
तो इसको सबसे पहले हम सॉलिड और लिक्विड के लिए देखते हैं, नोट करो इसको फटाफट। तो क्या था डेंसिटी को हमने बेसिकली, इसको नोट करो फटाफट, तब तक मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। क्या है डेंसिटी तुम्हारे पास? सिंपल मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट्स की बात करें तो एमकेएस सिस्टम में केजी पर मीटर क्यूब, सीजीएस सिस्टम के अंदर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर एमएल। ठीक है, ग्राम पर एमएल क्यों लिखा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 ml के। ठीक है, इसके बाद हमने डेंसिटी को दो अलग अलग टाइप से डिवाइड किया। कौन कौन सी डेंसिटी है? एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा है तुम्हारे पास रिलेटिव डेंसिटी। सॉलिड लिक्विड या फिर कोई भी गैसेज हो उनके लिए अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? सिंपल मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये है हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी। जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो क्या होता है कि तुम्हारे पास किसी एक सब्सटेंस का डेंसिटी दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में, उस चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब जो रिलेटिव डेंसिटी है यहां पर हमारे पास कुछ अलग अलग टर्म्स आते हैं। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग दो अलग अलग टाइप से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनके रेस्पेक्ट में, उनके लिए सॉरी उनके रेस्पेक्ट में नहीं, उनके लिए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे। तो बेटा, तो जो सॉलिड्स और जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर हम जब कुछ भी नहीं बोला होता है तो जो डेंसिटी हम कंपेयर करते हैं किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? वॉटर के रेस्पेक्ट में, एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या? एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो उस वक्त जो हमारे पास डेंसिटी का जो टर्म आता है उस वक्त हम रिलेटिव डेंसिटी ना बोल करके उसको हम वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा? क्या होगा बेटा? तुम्हारे पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर लिक्विड, जिस भी लिक्विड या सॉलिड के लिए तुम जो डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो उसका डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वॉटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तुम्हारा वॉटर का जो डेंसिटी है उसके रेस्पेक्ट में उस सॉलिड और लिक्विड का जो डेंसिटी होता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कौन सा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक तरह से रिलेटिव डेंसिटी ही है। वाटर के रेस्पेक्ट में हमने यहां पे डेंसिटी को कैलकुलेट किया तो उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया है। वो टर्म क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, और पता ही होगा क्लास 10th के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा है शायद, जो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैक्सिमम होता है। हाँ, है ना? तो ये भी यहां पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर लिख सकते हो। ये तुम्हारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ H2O इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, अभी के लिए बस ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना। अब देखिए, ये तो हमने देखा डेंसिटी ऑफ तुम्हारे पास सॉलिड या लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू वॉटर। अच्छा, अब यहां पर आता है कि हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी की थोड़ी, एब्सोल्यूट डेंसिटी का हमने यूनिट डिफाइन किया, रिलेटिव डेंसिटी का अगर हमको कोई यूनिट निकालना हो तो देखो रिलेटिव डेंसिटी के लिए अगर हमको यहां पे यूनिट की बात करनी है, कोई पूछेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट होगा या नहीं होगा, उसका अगर यूनिट होगा तो क्या होगा? तो देखिए, बेसिकली हमने यहां पर जब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला अभी जस्ट देखा तो वो क्या था? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2, यही देखा था फॉर्मूला। तो देखो, ऊपर में तुम्हारे पास डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा? ग्राम, अगर तुम सीजीएस सिस्टम में ले रहे हो तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे में भी क्या आएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों अलग अलग सब्सटेंसेज के लिए मान लेते हैं, ऊपर वाले सब्सटेंस के लिए डेंसिटी एक्स है, नीचे वाले के लिए वाई है, तो तुम्हारे पास जो रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे तो क्या निकालोगे? एक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन वाई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो तुम्हारे पास जो रिलेटिव डेंसिटी आएगा वो क्या आएगा? सिंपल एक्स बाय वाई। मतलब ये बस एक नंबर है। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी बस एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये ध्यान में रखना, लिख दे रहा हूं साइड में, इट हैज नो
यूनिट। तो रिलेटिव जो डेंसिटी होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ, यहां पर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे थे, तो डेंसिटी जो होता है तुम्हारे पास वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस पे हम जानते हैं कितना होता है, 1 ग्राम पर एमएल, बराबर है। तो तुम्हारे पास जैसे यहां पे 1 ग्राम पर एमएल से डिवाइड करोगे तो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वही सेम रहेगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड, बस फर्क क्या आएगा उसका कोई हम यूनिट नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, या फिर एक काम करते हैं ऐसे लिख देते हैं कि मास ऑफ ए सब्सटेंस इज 5 ग्राम एंड इट ऑक्यूपाइज 15 ml, कैलकुलेट मास ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस। चलो ये भी लिख देते हैं मास ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो बेटा तुम्हारे पास यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, सब्सटेंस का मास दिया है और उसकी वॉल्यूम दी है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी अगर सिंपल पूछा है, सिंपल अगर डेंसिटी पूछा है तो हम क्या लगाएंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना 5 ग्राम और वॉल्यूम कितनी है 15 ml, तो हमारे पास जो डेंसिटी आएगा, ये जो डेंसिटी आएगा वो कैसा डेंसिटी आएगा, एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी आया वो कितना आया, 5 अपॉन 15, मतलब 1/3 ग्राम पर एमएल, मतलब 0.33 ग्राम पर एमएल, ये आया मेरे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी जो भी सब्सटेंस यहां पे था, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी आ गया। अगर यही चीज पूछा जाए, यहां पर इसने बोला है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने अभी कैसे डिफाइन किया, उस सब्सटेंस का डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वॉटर। तो सब्सटेंस का डेंसिटी कितना है, यहां पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1/3 ग्राम पर एमएल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वॉटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो 1 ग्राम पर एमएल, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी वुड बी 1/3, समझे कि नहीं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर ग्राम पर एमएल लिखा है आगे, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट डेंसिटी है, और अगर सिंपल 1/3 लिखा है तो वो यहां पर क्या है, तुम्हारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अंटिल अनलेस आपको नहीं बोला जाए कि कोई H2O के अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस है जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तब तक आपको अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर इन सब रिलेटिव डेंसिटी पूछा जाएगा सॉलिड और लिक्विड के लिए, तो वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में करोगे, H2O के, ठीक है। अगर कोई और सब्सटेंस मेंशन कर दिया जाए कि नहीं H2O की जगह कोई और सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो तुम्हारे पास जो नीचे सब्सटेंस जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसका डेंसिटी नीचे आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास सॉलिड और लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी की बातें। अब हम बात करते हैं तुम्हारे गैसेस सब्सटेंसेस के लिए, तो फटाफट इसको नोट करो, ला 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 लंबा लंबा घूंघट था, लिख लिया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में ही फॉर गैसेस। अब देखो बेटा सेकंड है हमारे पास फोर गैसेस,
अब देखिए, अब गैसेज में अगर हमको डिफाइन करना है रिलेटिव किस, तो किसके रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे? अब जैसे देखिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए तो हमने निकाल लिया वाटर के रेस्पेक्ट में, सॉलिड और लिक्विड के लिए हमने क्या किया, वाटर के रेस्पेक्ट में हमने डेंसिटी को निकाला। अब अगर गैसेज के लिए बात करें तो देखो, जनरली जो गैसेज होती हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है, जनरली जो गैसेज होती हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती हैं। जैसे अच्छा, कुछ गैसेज होती हैं जो वाटर में सोल्यूबल भी होती हैं, जैसे कि तुम्हारे पास, तुम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में देखा होगा कि कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लास 9-10 में पढ़ते हो, है ना? तो बहुत कम तुम्हारे पास जो गैसेज होती हैं वो वाटर में सोल्यूबल होती है। तो अब हम जब रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे तो गैसेज के लिए हम जो डेंसिटी यहां पर डिफाइन करते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, ठीक है? क्या हम जो गैसेज हैं उनके लिए जो हम डेंसिटी डिफाइन करेंगे वो तुम्हारे पास हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। और यहां पर हमारे पास एक अलग से टर्म आता है, वो रिलेटिव डेंसिटी होता है, उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। क्या? वेपर डेंसिटी। ये किसके लिए है? फॉर गैसेज। तो वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ क्या, जिस गैस का डेंसिटी निकालना है उसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस एट प्रेशर मान लेते हैं पी एंड टेम्परेचर टी, डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन उसी सेम प्रेशर पे एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी। यहां पर जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, सेम कंडीशंस, अंडर सेम कंडीशंस के ऊपर तुम्हारे पास गैस का डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू जो हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। तो देखो क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन, कोई जो गैस वन है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू। रिलेटिव डेंसिटी हम वही डिफाइन कर रहे हैं, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, बस डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस यही आया कि सॉलिड्स के लिए हमने उसके लिए एक अलग टर्म यूज कर लिया और गैसेज के लिए हमने एक अलग टर्म यूज किया। सॉलिड्स के केस में हमने उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया, हाँ है ना, और वहां पे H2O के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। और यहां पर हम क्या करेंगे, वाटर सॉरी H2 हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में सेम कंडीशंस पे, मतलब सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अब डेंसिटी की बात हो रही है, अब क्योंकि गैसेज हैं तो गैसेज के लिए याद करो हमने PV इक्वल टू NRT पढ़ा है, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, PV इक्वल्स टू क्या होता है, NRT। P क्या होता है यहां पर, प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। बेटा PV, अब मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक काम करते हैं, स्मॉल m अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M लिख देता हूं, ठीक है, इंटू R इंटू T, ठीक है। इस कैपिटल M को उधर ले जाऊं और वॉल्यूम को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, P इंटू कैपिटल M, कैपिटल M यहां पर क्या है, मोलर मास, इक्वल्स टू स्मॉल m बाय वॉल्यूम V इंटू RT। अब देखो ये जो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी, हाँ है ना। तो यहां से PM इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, DRT। और ये कल हमने जो DPP में क्वेश्चंस थे उसमें भी डेराइव किया था एक बार, ठीक है। तो PM इक्वल्स टू क्या होता है, DRT। तो डेंसिटी ऑफ गैस वो किसके बराबर हो जाएगा, P इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन R इंटू T, बराबर है कि नहीं? तो ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैस आ गया। एक काम करते हैं, इसी डेंसिटी ऑफ गैस को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ गैस वो किसके बराबर आएगा, बेटा P इंटू M गैस डिवाइडेड बाय RT, हाँ है ना, अपॉन तुम्हारे पास नीचे में हाइड्रोजन भी गैस है तो उसके लिए जो डेंसिटी होगा प्रेशर P और टेम्परेचर T के ऊपर वो किसके बराबर होगा, P इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन R इंटू T। अब कंडीशंस तो सेम है, प्रेशर और टेम्परेचर, तो क्या होगा, आपस में एक दूसरे से ये उड़ गए, उड़े कि नहीं, तो तुम्हारे पास यहां से वेपर डेंसिटी तो किस क्या बचा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस
डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और H2 का मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं कितना होता है, 2, बराबर है कि नहीं। तो जो वेपर डेंसिटी है, यहां से जो वेपर डेंसिटी है वो किसके बराबर आया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये एक तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अगर कोई एक गैस हुआ तो उसके केस में, ठीक है। अब मान लो ये क्या है, m गैस यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, यहां पर m जो गैस है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है। फॉर गैसियस मिक्सर, फॉर गैसियस मिक्सर जो वेपर डेंसिटी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उस वक्त तुम्हारे पास m गैस की जगह क्या हो जाएगा, m एवरेज, एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। क्या करोगे उस वक्त, तुम्हारे पास m एवरेज होगा, ठीक है। अब m एवरेज निकालना तो जानते ही हो, उसके लिए m एवरेज कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने एवरेज, ये क्या है तुम्हारे पास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो टोटल मास अपॉन तुम्हारे टोटल मोल्स, हाँ है ना, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मास किसके बराबर होगा, मोलर मास इनटू मोल्स। तो m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, अगर दो से ज्यादा हुए तो डॉट 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 डॉट, बराबर है कि नहीं। तो उस केस में वेपर डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा, m एवरेज बाय 2। तो ये था वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट, कुछ भी नहीं है डिफरेंस ज्यादा। देखो यहां पर भी वेपर डेंसिटी का भी कोई यूनिट होगा क्या, कोई यूनिट नहीं होगा, सारा का सारा तो रिलेटिव डेंसिटी, जब भी जो वेपर डेंसिटी और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दोनों क्या है, रिलेटिव डेंसिटी के अंडर में ही आता है, ठीक है। सॉलिड्स के लिए अलग है और गैसेज के लिए अलग है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ध्यान में रखना। चलिए एक काम करते हैं, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं, कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2, SO2 का वेपर डेंसिटी, CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पहला क्वेश्चन है, आसान दे रहा हूं। सेकेंड है तुम्हारे, इसी में मैंने काम करते हैं, बी पार्ट, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 CH4, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी की बजाय सिंपल यहां पे मैं डेंसिटी लिख देता हूं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ SO2, सॉरी वेपर डेंसिटी लिख लेते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रेस्पेक्ट टू CH4, क्या CH4 के रेस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी कितना है, इस चीज को कैलकुलेट करना है। तो एक काम करिए, करो अपने से, वीडियो को पॉज करो और करना स्टार्ट करो। चलिए पहला पार्ट में करता हूं। पहला पार्ट क्या है, वेपर डेंसिटी सिंपल पूछा है, तो वेपर डेंसिटी हमने क्या दिखा, वेपर डेंसिटी क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, अगर कुछ नहीं बोला है मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सबसे पहले अगर SO2 के लिए बात करें तो बेटा SO2 का मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, वो कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, मॉलिक्यूलर वेट ऐसे MW लिख देता हूं इसको, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, 1 × 32 + 2 × 16, तो कितना 32 + 32 कितना आ जाएगा 64। तो यहां से मेरे पास जो वेपर डेंसिटी आएगा किसका, SO2 का, वो कितना आएगा उसका मॉलिक्यूलर मास 64/2, तो कितना 32, सिंपल 32। आगे मैंने कोई यूनिट नहीं लगाया, ध्यान से सुनना। अगर मेरे को CH4 के लिए बात करनी है तो CH4 के केस में देखो, फिर से सबसे पहले क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट 1 × 12 + 4 × 1, तो कितना आ गया ये 16, हाँ है ना। अगर वेपर डेंसिटी निकालनी है, सिंपल वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 कितना हो जाएगा 16/2 मींस 8, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं वेपर डेंसिटी ऑफ CO2, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी हम जानते हैं, अब मैं नहीं लिखूंगा कैलकुलेट करके, वो कितना होता है 44/2, तो यहां से मेरे पास जो CO2 है उसका वेपर डेंसिटी कितना आ गया 22, बराबर है। तो ये था पहला पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, सेकंड पार्ट में बोला है बेटा कि वेपर डेंसिटी निकालो SO2 का विथ रेस्पेक्ट टू CH4, क्या SO2 का वेपर डेंसिटी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू CH4, मतलब अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 निकालना है, तो क्या करोगे, तुम्हारे पास डेंसिटी ऑफ SO2 बराबर है कि नहीं। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बोला है, मतलब अगर कुछ नहीं बोला है मतलब वो तुम्हारा सेल्फ अंडरस्टूड है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आगे चलो लिख देते हैं, फिर भी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, नहीं हो सकता है क्वेश्चन में ये ना दिया हो तब भी क्या मान के चलना है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर, ये मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया आगे, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हारे एग्जाम में तुमको बेवकूफ बनाने के लिए सेम टेम्परेचर और प्रेशर ना लिखा हो, समझ में आएगा नहीं। चलिए तो क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ SO2 अपॉन डेंसिटी ऑफ किसका, यहां पर मैंने बोला CH4 के रेस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, थोड़ी देर पहले हमने देखा डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था, P × m ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय RT डिवाइड अपॉन P × मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय RT, तो सेम प्रेशर और टेम्परेचर है तो PRT क्या हो गए, ऊपर नीचे से डायरेक्टली उड़ गए, तो तुम्हारे पास जो वेपर डेंसिटी आया SO2 का किसके रेस्पेक्ट में, CH4 के रेस्पेक्ट में, वो क्या आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, यह क्या है विथ रेस्पेक्ट टू CH4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 अभी जस्ट कैलकुलेट किया कितना 64 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, अभी हमने कैलकुलेट किया कितना 16, तो ये कितना आ गया 64, तो ये तुम्हारे पास वेपर डेंसिटी आ गया किसका SO2 का विथ रेस्पेक्ट टू CH4 कितना 54। हो सकता है मान लो यही मैंने यहां पे सी पार्ट पूछ लिया, वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रेस्पेक्ट टू हीलियम, हीलियम के रेस्पेक्ट में बताओ, तो क्या करोगे, तुम्हारे पास वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रेस्पेक्ट टू हीलियम, तो क्या करोगे डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, बराबर है कि नहीं। यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज 64 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इज 4, हाँ है ना, तो यहां से कितना आ गया बेटा 4 × 4 = 32/2, मतलब 16, बराबर है कि नहीं। तो तुम्हारे पास SO2 का वेपर डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू हीलियम इज 16, विद रेस्पेक्ट टू CH4 इज 4, और अगर कुछ नहीं बोला जाए तो वो तुम्हारे पास बाय डिफॉल्ट किसके रेस्पेक्ट में होगा, हाइड्रोजन गैस H2 के रेस्पेक्ट में। उस केस में डायरेक्टली तुम्हारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, ठीक है। चलिए इसी के ऊपर एक अगला क्वेश्चन और करते हैं,
ये तो था हमारे पास सिंगल गैसेज के लिए निकालना हो तब। अगर तुम्हारे पास मान लो एक से ज्यादा गैसेज सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, मिक्सर ऑफ गैसेज प्रेजेंट है, उस वक्त तुम्हारे को वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करना है इस चीज के बारे में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन के थ्रू कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर विच कंटेन्स 5 moles each of O2 and N2। क्या क्वेश्चन के थ्रू समझना, O2 और N2 है तुम्हारे पास 5 mole each, मतलब हर एक के 5-5 moles हैं, ठीक है। इन दोनों का गैसियस मिक्सर है, एक एक तुम्हारे पास सॉल्यूशन है उसमें O2 और N2 दोनों प्रेजेंट है, उसका वेपर डेंसिटी निकालना है। ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं बोला मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट है ना। तो फॉर्मूला हमारे पास वो क्या होता है, वेपर डेंसिटी, अगर एक गैस होता है तो हमारे पास होता है क्या, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। यहां पर तो हमारे पास गैसियस मिक्सर है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, एम एवरेज, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एम एवरेज अपॉन 2। क्या लगाएंगे, एम एवरेज अपॉन 2, ठीक है। एक काम करते हैं इसको नीचे में थोड़ा लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा, एम एवरेज डिवाइडेड बाय 2। अब एम एवरेज कैसे निकालें, ये पहले हम लोग सीख चुके हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास अब यहां पर हम कैसे निकालें, गैसेस कौन कौन सी हैं, O2 एंड N2, गैसेस कौन सी हैं, O2 एंड N2। तो एम एवरेज उसके लिए फॉर्मूला क्या था, m1 n1 plus m2 n2 upon n1 plus n2। दोनों के मोल्स दिए हैं क्या, बिल्कुल दिए हैं, n1 और n2 क्या है यहां पर डायरेक्टली मोल्स हैं, तो तुम्हारे पास 5-5 moles दिए हैं, ओके। और m1 और m2 अगर हम बात करें, m1 मान लेते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो उसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 32। और अगर N2 के लिए अगर हम माने M2, तो वो कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। तो तुम्हारे पास फॉर्मूले में पुट करो, 32 इंटू 5 प्लस 28 इंटू 5, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ 5 मोल्स ईच अपॉन 5 प्लस 5, तो डायरेक्टली 5 तो तुम्हारे पास कॉमन आकर के कट गया, तो क्या बचा, 32 प्लस 28 अपॉन, अब कई लोग हो सकता है नीचे में 1 लिख दें, 1 प्लस 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2, समझे कि नहीं। तो इसको कैलकुलेट करो, 30 प्लस 20 50, और ये कितना, 60 बाई 2 मतलब 30। तो ये मेरे पास आया एम एवरेज। अगर एम एवरेज आ गया, एम अगर एवरेज आया, तो मेरे पास वेपर जो डेंसिटी आएगा किसका, इस मिक्सर का, गैसियस मिक्सर का, वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 30/2 मतलब 15, ठीक है। इसी के अंदर एक काम करते हैं, बी पार्ट करते हैं, यही तुमको बोला जाए वेपर डेंसिटी, इन्हीं का सेम यही जो ए पार्ट है इसको ए पार्ट बोल देते हैं, जो ये क्वेश्चन है इसी को अगर मैं बी पार्ट की फॉर्म में एक्सटेंड करूं, वेपर डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हीलियम। क्या एक काम करते, हीलियम नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू, चलो हीलियम ही ले लो, समझे कि नहीं, क्या, विथ रेस्पेक्ट टू हीलियम। तो उस केस में सेकंड वाले में क्या है, वेपर डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हीलियम, तो पहले जो शुरुआती जो पार्ट रहेगा, इनिशियल जो पार्ट है वो सेम रहेगा, समझ में आएगा नहीं। तो उस केस में हमारे पास जो वेपर डेंसिटी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम एवरेज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, हाँ है ना। तो एम एवरेज कितना आया, 30, वेपर डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हीलियम, तो ये तुम्हारे पास हीलियम का मास 4, तो 15/2 मतलब 7.5, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे वेपर डेंसिटी के। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास के लिए, फटाफट इसको नोट करो, तब तक मैं ऊपर में क्वेश्चन लिख देता हूं। एन अननोन गैस
एन अननोन गैस ऑफ 16 ग्राम एन अननोन गैस ऑफ 16 ग्राम ऑक्यूपाइज ऑक्यूपाइज 16 नहीं 32 ग्राम लिखते हैं 16 ग्राम नहीं 32 ग्राम ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर वॉल्यूम 11.2 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी कैलकुलेट कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। चलिए करिए सॉल्व। करें क्या दिया है? अननोन गैस है, कौन सा गैस है नहीं पता, उसका मास दिया है 32 ग्राम, 32 ग्राम है, बोल रहा है कि 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एसटीपी के ऊपर, वेपर डेंसिटी के वेपर डेंसिटी क्या करना है कैलकुलेट करना है। ओके वेपर डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं बोला है मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, मतलब जो वेपर डेंसिटी होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ उस अननोन गैस अपॉन टू। अब मेरे को मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, क्या मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, निकाल सकते हैं कैसे, मास दिया है वॉल्यूम दिया है एसटीपी बोला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन। तो बेटा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, क्यों मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस चाहिए और क्वेश्चन में तुमको वॉल्यूम दिया है एसटीपी बोला है, मतलब तुमको ध्यान में तुरंत आ जाना चाहिए कि पीवी इक्वल टू एनआरटी तो लगना ही है। अब एसटीपी बोला है मतलब प्रेशर 1 एटीएम और वॉल्यूम सॉरी टेम्परेचर तुम्हारा 273 केल्विन 1 × वॉल्यूम इज 11.2 लीटर इक्वल्स टू मोल्स, ठीक है मोल्स को मैं क्या ले सकता हूं सिंपल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एंड मास ऑफ द गैस इज गिवन 32 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इंटू आर इंटू टी। याद करो मैंने जब आइडियल गैस इक्वेशन इसके बारे में गैसेस के लिए मोल्स कैलकुलेट करना सिखाया था उस वक्त बताया था कि कोई भी गैस हो आर इंटू टी का जो प्रोडक्ट होता है 273 के ऊपर वो कितना होता है 22.4। तो अभी हमारे यहां पर टाइम बचेगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कितना आ गया बेटा 32 × 22.4 डिवाइडेड बाय 11.2, ये काट कट गया तुम्हारे पास तो ये कितना आ गया 64। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज 64, ठीक है अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया तो वेपर डेंसिटी भी आ गया, वो कितना 64/2 कितना 32। समझे कि नहीं, आसान है। अब देखो हो सकता है अब तुम कई लोग क्या करें इतना लंबा ना करके थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करें, तो अगर याद हो कोई भी एक कोई भी गैस हो एक मोल अगर है उसका वॉल्यूम होता है 22 कोई भी गैस एट एसटीपी, मैंने ये बताया था चाहे वो कोई भी गैस हो एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर एक मोल, एक मोल कोई भी गैस एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4। यहां पर वॉल्यूम दिया है उसने 11.2 लीटर दिया है, इसका मतलब कितने मोल्स आधा मोल, और आधा मोल का मास कितना है 12 ग्राम। समझे कि नहीं, ये अगर तुमको दिमाग में अगर तुम्हारा दिमाग चल गया तो सोच सकते हो क्या मोल इक्वल्स टू मोल्स कितने हैं आधे मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन ये लो मॉलिक्यूलर मास, और मास कितना है 32 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 2 × 32 देखो 64 आया कि नहीं। हो सकता है तुमको यही क्वेश्चन अगर ऑप्शंस में दे दिए जाए, देखो बोला कि इनमें से कौन सा गैस हो सकता है ऑप्शन ए बी सी डी करके दे दूं, आगे इसी में मैंने लिख दिया द गैस
द नॉन गैस मे बी, और मैंने चार ऑप्शन करके दे दिए। मान लो ए ऑप्शन मैंने CH4 दे दिया, बी ऑप्शन मैंने SO3 दे दिया, सी ऑप्शन मैंने SO2 दे दिया, डी ऑप्शन मैंने क्या कर दिया O2 दे दिया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया। अब चेक करो इन ऑप्शंस में कि किसका मॉलिक्यूलर मास 64 है। CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16, SO3 का मॉलिक्यूलर मास 32 प्लस 16 इंटू 3 48 प्लस 32 कितना 80, SO2 का मॉलिक्यूलर मास 64 एंड O2 का मॉलिक्यूलर मास 32, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारे पास वेपर डेंसिटी और डेंसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे के सारे, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग यहां तक का पूरे नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है।